फ्रेंड्स वेलकम बैक टू रिथ्वी बहल अन ममा रॉक्स मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी तो कहिए कैसे हैं आप ये तो यार मेरी परफेक्ट सी लाइन एक टैग लाइन बन चुका है एक्चुअली टाइम हो गया सवा आठ बज गए हैं सुबह के और मैंने नहा धो लिया है ये देखिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिए स्वेटर मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि अभी मैंने सर्दियों के कपड़े नहीं निकाले तो जस्ट नहा के निकली हूँ अपना लोरियल का प्रोडक्ट लगाया है और यहाँ पे रित्वी उठ चुका है रित्वी कर रहा है पढ़ाई जी बेटा लव जल्दी कर लो फिर रेडियो के नीचे चले और मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने एक्चुअली मैं ना उठी भी लेट ही थी आज मतलब इतना जल्दी नहीं उठी थी थोड़ा रात को लेट हो गया था कुछ काम कर रही थी तो लेट उठी हूँ तो नाश्ता बना रही हूँ नाश्ते में सिंपल हरितवी के लिए ऑमलेट ब्रेड बनेगा मेरे लिए ब्रेड टोस्ट बनेगा चलिए पहले नाश्ता बना लेते हैं फिर बातचीत करते हैं क्योंकि बहुत टाइम ज़्यादा हो गया नीचे जाना है शॉप पे सो so, फ्रेंड्स अभी मेरी एंट्री हो चुकी है किचन में तो अब मैं बनाऊँगी फटाफट से नाश्ता जिस तरफ को हमारी किचन का ये स्टोव का मुँह है ना जिस तरफ मतलब मैं खड़ी हूँ तो वहाँ ये पूरब की तरफ है तो सुबह सुबह जो सूरज आता है ना तो उसकी किरणें बहुत अच्छे से किचन में इस तरह से पड़ती हैं तो थोड़ा सा आ, मतलब अच्छा सा माहौल सा हो जाता है बिना लाइट के ही पूरी किचन जो होती है ना वो रोशनाई सी होती है तो अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी नाश्ता और मैंने साथ में रख ली है चाय और आज मैं बहुत टाइम बाद अपने लिए थोड़ा सा हैवी जो है नाश्ता वो बनाने वाली हूँ हैवी इन देंस मैं आज बनाऊंगी अपने लिए मलाई ब्रेड टोस्ट क्योंकि पापा के लिए तो मैंने कोई सब्जी के साथ चपाती बनाई थी और हरिथ्वी के लिए आ, आज बना था ऑमलेट ब्रेड जो इसके बाद बनेगा तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने लिए कोई ब्रेड की आ, जो है वो डिश बना लेती हूँ तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी मलाई और सूजी में मिक्स करूँ तो थोड़ा सा जो है अपने लिए भी टोस्ट बना लूँ ये चीज़ें ना मैंने बहुत टाइम के बाद एक आज खाई एक्चुअली बिकॉज ऑफ फीवर थोड़ा सा लीवर जो है वो मेरा उतना स्ट्रॉग नहीं रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है अगर कुछ हैवी खा लूँ तो इसलिए मैं अपनी डाइट को बहुत ही जो है वो लाइट रखती हूँ क्योंकि कहते हैं ना दवाई से परहेज़ अच्छा है और ये होता है कि बाद में पछताने से क्या होता है क्योंकि मैंने बहुत सारे मतलब लोग देखे हैं अपने आ, आसपास जो पहले तो अच्छे से खा पी लेते हैं तो फिर बाद में कहते हैं डाइजेस्ट नहीं हुआ उसमें से कुछ और नहीं मेरी अपनी मम्मी भी है जो कभी कभी जैसे मेरे छोटे भाई को चटपटी चीज़ें चटोरी खाने की बहुत आदत है तो उसके लिए घर में कुछ ना कुछ रोज़ चटपटा चटोरा बनता ही रहता है तो मम्मी भी उसमें से टेस्ट कर लेते हैं और खाने पीने के बाद मम्मा बाद में बोलेंगे कि यार मेरा ना डाइजेस्ट नहीं हुआ मेरे पेट में ऐसे हो गया मेरे पेट में वैसे हो गया तो मैं हमेशा मम्मी को बोल देती हूँ कि यार पहले कंट्रोल रखो ज़रूरी थोड़ी है कि वो उसके लिए बन रहा है खाई के लिए तो आपको भी वो खाना ही है तो इसी तरह से मैं भी अपनी डाइट को कंट्रोल करके रखती हूँ पृथ्वी के लिए जो भी बने लेकिन मैं उस चीज़ को कभी भी खाना तो बहुत दूर की बात है मैं उसको टेस्ट भी नहीं करती क्योंकि कहते हैं ना जब शेर के मुँह को खून लग जाए तो फिर कोई उसे रोक नहीं सकता उसी तरह से हम होते हैं जब हमारी जीप चटोरी हो जाती है ना तो फिर बस जब एक बार टेस्ट कर लो अगर चीज़ अच्छी बनी है तो हमारा दिल करता है कि हम भी उसे खा ही लें उसका नज़ारा जो है हम भी ले ही लें दैट्स वाई मैं थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा कंट्रोल रखती हूँ और ये ब्लॉग गाइस दो दिन पुराना है क्योंकि बीच में मैंने थोड़ी सी वीडियोस डाल दी थी अमेजोन शॉपिंग हॉल आया था अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है उसे ज़रूर देखें बहुत प्यारे प्यारे मैंने कुशन कवर्स लिए हैं बेड ली है ताकि दिवाली पर थोड़ा सा जो घर है ना उसको थोड़ी सी अलग सी लुक जो है वो मिल सके तो यहाँ पर मेरा जो है वो ब्राइड टोस्ट बनके रेडी है बहुत सिंपल था मैंने मलाई में सूजी डाली उसे दो चार मिनट के लिए रखा जब सूजी फूल गई तो उसमें मैंने गरम मसाला नमक डाला और जस्ट सिंपल सा टोस्ट अपने लिए बना लिया और यहाँ पे तैयारी हो रही है हरितवी के लिए एग ब्रेड बनाने की और मैं सिंपल सा ऑमलेट ब्रेड बनाऊंगी और उसके लिए मैंने आ, 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 एग को फोड़ के ना उसमें थोड़ा सा नमक डाला थोड़ी सी पिसी हुई दालचीनी का पाउडर डाला है थोड़ी सी हल्दी डाली है और इस तरह से ब्रेड को लेके एग का जो सारा मिक्सचर था उसे फैला दिया है जस्ट एक मिनट में ये नाश्ता जो है बन के रेडी है जब भी आप बच्चे के लिए कुछ भी बनाते हैं ना जैसे दूध वाला एग ब्रेड होता है जो आई थिंक फ्रेंच टोस्ट कहते हैं वो बनाओ या कुछ भी एग का बनाओ तो उसमें थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डालो क्योंकि मोस्टली जो बच्चे तीन साल से छोटे होते हैं ना जिनमें अभी तो मुझे इतना वक्त आई थिंक उसको बोलते हैं जब मतलब जो बच्चा छोटा होता है तीन साल से नीचे उसे सर्दी जुकाम बहुत जल्दी पकड़ता है तो एग जो होता है बच्चे के लिए वैसे तो बहुत अच्छा होता है लेकिन वो बच्चे जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है सांस की दिक्कत है एलर्जी है उनके लिए एग उतना अच्छा नहीं होता तो इसलिए जब भी भी बच्चे को एग की कोई भी डिश बना के देनी है तो उसमें थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर ज़रूर मिलाएं और यहाँ पे साथ साथ मेरी चाय भी बन रही थी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बाई एक्सपीरियंस हृथ्वी से सीखी हैं कभी कभी क्या होता है कि आपको डॉक्टर्स जो है वो पूरी चीज़ें नहीं बताते मैं आपको अपनी बात बोलूँ तो हृथ्वी की ये बीमारी इतनी नहीं बढ़ती अगर मुझे शुरू में ही अच्छा डॉक्टर मिल जाता जो मुकेरिया में मुझे लोकल बहुत बेस्ट डॉक्टर है मैं नाम नहीं लेना चाहती जिसके पास हर कोई सुजेस्ट करता था अपना बच्चा उनके पास लेके जाओ तो उससे मैंने पूछा जब हृथ्वी को कॉन्टीअसली जुकाम रहता था खांसी रहती थी तो मैंने पूछा कि डिश उसके लिए ना डाइट पूछी तो कहता है दबा के दो केला भी दो दही भी दो उसने मेरे को मना नहीं किया और तब मैं शुरू शुरू में मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था बच्चे की डाइट कैसी होनी चाहिए तो मैं दे देती थी उसने बोला दो लेकिन वो चीज़ें जो होती हैं वो हमें बाय एक्सपीरियंस पता चलती हैं आप लोगों को पता हो तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि किचू लेडीज़ तो बहुत एक्सपीरियंस्ड होती हैं बाबा शादी से पहले ही उनको सब कुछ पता होता है सीख सिखा के आई होती हैं लेकिन कुछ मेरे जैसी भोंदू होती हैं जो सिर्फ डॉक्टर के कहने पे चलती हैं डॉक्टर ने बोला है ये दे दो तो दे दो ये नहीं देना है तो मत दो तो आ... मतलब आप आज कल के ज़माने पे ना आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो कुछ चीज़ें हैं जो बाय एक्सपीरियंस आती हैं तो इसलिए मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि एग उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जिन्हें खांसी ज़ुकाम रहता है या कोई ना कोई एलर्जी होती है उनके लिए एग बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और एक और बात करें तो दाल खिचड़ी दाल खिचड़ी भी उन बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती जिनको अस्थमा रहता है खांसी जुकाम रहता है और ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी ये चीज़ मुझे बाद में पता चली और मुझे इस चीज़ का खमियाजा बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा भुगतना पड़ा था क्योंकि मुझे लगता था कि बीमार है तो खिचड़ी एक अच्छी सी डाइट है और हरित्वी की फेवरेट बन चुकी थी तो मैं दूसरे तीसरे दिन उसे खिचड़ी बना के दे देती थी लेकिन मुझे बाय एक्सपीरियंस ये चीज़ पता चली और मुझे हरित्वी की क्लास टीचर ने यह बताया कि खिचड़ी आप हरित्वी को मत दो खिचड़ी में बहुत ज़्यादा रेशा होता है तो यहाँ पे नाश्ता बन चुका था और मैं आपको गाइस बताऊँ मैं बहुत टाइम बाद चाय इन्जॉय कर रही हूँ अपनी बीमारी के कारण बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी थी और चाय इतनी हेल्दी भी नहीं होती गाइस तो जितना आप चाय से दूर रह सके उतना रहो लेकिन मैंने आज तो इन्जॉय कर ली और यहाँ पे रिथ्वी अपना जो है ब्रेकफास्ट इन्जॉय कर रहा था इस तरह से वो मैट बिछा लेता है और अपना जो है खाना जो है वो मेरे पास बैठ के वो इंजॉय करता है और यहाँ पर मेरा जो है वो काम शुरू हो गया था मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि शॉप पर जाना है हरितवी को मैंने रेडी करके बिठा दिया है और थोड़ी देर हरितवी अपने आ, कार्टून इन्जॉय करेगा क्योंकि हरितवी को आजकल कौन से कार्टून पसंद आ रखे हैं बुद्ध और बद्री और वो बुद्ध और बद्री को बहुत इन्जॉय करता है और यहाँ पे उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा अपने आप को पेम्पर कर रही हूँ और ये ब्लॉग वर्त के बाद का ही है क्योंकि मेहंदी मेहंदी मेरे हाथों में लगी हुई है अब तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेहंदी तो काफ़ी उतर चुकी है लेकिन अच्छी चढ़ी उतरी जल्दी है लेकिन अच्छी चढ़ी अच्छा सा रंग आया डिज़ाइन भी खिल के आया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और यहाँ पे अब टर्न है मेरे फेवरेट चीज़ चूड़े की और मुझे कईयों ने पूछा कि दीदी आपने अभी चूड़ा नहीं उतारा तो मैं उतार देती हूँ बस शॉप पर जाते टाइम पहन लेती हूँ गीला नहीं करती हूँ तो मैं सोच रही हूँ थोड़े दिन डाल के रखूँ जब थोड़ा सा मेरा चार्ज जो है ना चूड़े का वो कम हो जाएगा तब हम चूड़ा उतार देंगे लेकिन अभी तो भाई नया नया है तो नया नया बनाया है तो उसका तो अभी फ़ायदा उठाऊंगी हो गई है रेडी बाबू भी हो गया रेडी हाँ हरित्वी की ड्रेस देखो रित्वी ने न्यू ट्रैक सूट डाला आज ऑसम वाला ऑसम वाला तो मैं रेडी तो हो गई हूँ लेकिन मैंने बिंदी नहीं लगाई यार आज और रेड 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 हो गया सॉरी यार फोन हिल रहा है ग्रीन बिंदी लगाई मैंने तो अभी हम जा रहे हैं शॉप पे तो शॉप पे जाके आपसे करते हैं थोड़ी सी चिट तो ये मेरा और हरिति का बैग होता है बातें और हम पहुंच चुके हैं शॉप पे और बारी है अब हरित्वी के होमवर्क की तो मैं फोन पे चेक करी थी हरितवी की मैम ने जो होमवर्क भेजा है जो उसको वर्कशीट भेजी गई है वो मैं अब उसे बना के दूँगी शॉप पे आते ही सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं आते ही ये चेक करती हूँ कि हरित्वी के लिए कौन सा होमवर्क आया है और फ़टाफट से उसे होमवर्क कराती हूँ क्योंकि बाद में डे टाइम पता नहीं होता कि डे कैसा जाए बिज़ी जाए नहीं जाए मूड और बच्चे का भी मूड देखना पड़ता है तो सुबह सुबह उसका भी मूड रिफ़्रेश होता है मेरा भी रिफ़्रेश होता है शॉप पर भी इतनी भीड़ नहीं होती तो मैं फ़टाफट से उसके लिए जो है वर्कशीट्स बना देती हूँ तो फ़टाफट से जो है उसका होमवर्क करवा देती हूँ लेकिन आजकल तो थोड़ा सा मुझे टफ़ लगता है आप बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा है ऑनलाइन क्लासेस के साथ मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत बुरा चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस के साथ एक तो नेटवर्क का इशू होता है तो अच्छे से क्लास को अटेंड नहीं हो पाता दूसरा मुझे मतलब ज़्यादा हैड लगता है मतलब ऑनलाइन क्लास को लेना और बच्चे के लिए मुझे बहुत टफ लगता है और ये है थोड़ी सी पिक्चर मैंने आपको दी हृथ्वी का जो बेड बन रहा है उसकी और यहाँ पे हृथ्वी की थोड़ी सी मस्ती मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है एक्चुअली हम सर्दियों की चीज़ें जो असेंशियल्स होते हैं वो लगा रहे थे और हृथ्वी उनको लगा लगा के जो है थोड़ा सा मौज मस्ती कर रहा था ना ठंड बड़ी लग रही है मेरे को तो मैंने ना नीचे स्वेटर भी डाला है, और ऊपर से ये दुपट्टा लाल 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 लाल। तो लाल लाल अपने मुंह पे भी लाल <laughs> मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ मैंने जैसे कैमरा घुमाया ना ज्योति की तरफ तो उसके पास ना बास्केट पड़ी थी रेड कलर की तो उसने फटाफट से वो रेड कलर की बास्केट अपने मुंह पे रख ली दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं वो हार्पिक फ्री बैठे हैं ना दोनों तो हरितिका का भी होमवर्क हो गया तो दोनों पहले लगे सफाई करने और सफाई करते करते हार्पिक के ऊपर जो लिखा हुआ है ना वो पढ़ रहे हैं आई थिंक ज्योति हरीथी को पढ़ा रही है एक्चुअली ज्योति का ना आज शॉप पे लास्ट डे था वो जाने वाली थी कल आई थिंक बिहार लेकिन उनकी टिकट बुक नहीं हुई है बिकॉज पिछले कल पाँच तारीख को भारत बंद था शायद ऐसा कुछ हुआ है हमारे ना शॉप पे भी बड़ी ठंड होती है मेरे को आज इतनी ठंड लग रही है ना पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है मेरी तबीयत तो नहीं खराब होगी अभी अभी ना मैं ब्लॉग की एडिटिंग करके हटी हूँ तो यहीं पे बैठ के करती हूँ मैं एडिटिंग शॉप में तो एडिटिंग में मैं ये बोल रही थी कि मेरे को फीवर नहीं हुआ <laughs> कि फास्ट का नेक्स्ट डे मेरा अच्छा निकला मेरे को कुछ नहीं हुआ लेकिन आज वाला डे है ना जो मुझे थोड़ा खतरनाक लग रहा है मेरे को बड़ी ठंड लग रही है बाबू आपको ठंड लग रही है नहीं मुझे ठंड लग रही क्योंकि मैंने गर्म कपड़े पहने वैसे तो मैंने भी गर्म पहने हैं फिर मेरे को क्यों ठंड लग रही है आई डोंट नो क्या आपके पास थोड़े कपड़े हैं मेरे पास चले हैं अच्छा मेरे को भी ले दो यार ले दूंगा मैं बड़े होकर बड़े होकर ओके थैंक यू हाय गाइस मैं आ गई हूँ ऊपर अब तो अभी मैंने हैंड वॉश करने हैं तो आती देखिए मैं किचन में एंटर करी हूँ पहले क्योंकि मुझे आज किचन को ना फाइनली मतलब जितना मेरे से हो पाए ना मैंने आज उसको कर देना है लव यू नाए, नाए। <laughs> तो आते ही ना एक्चुअली मम्मी आ गई तो मैं उनके साथ बात करने लगी थी आते ही मैं किचन में एंटर हुई हूँ क्योंकि आज मैं जल्दी आ गई हूँ पाँच बजे हाँ पाँच बजे हैं और आते ही मैंने सबसे पहले ऊपर जा सर्दियों के कपड़े अपने सारे निकाल के बेड पे रख लिए क्योंकि अब मुझे ना ठंड बहुत लगती है मुझे ना एक्चुअली नॉर्मल से ज़्यादा ठंड लगती है तो वो कल सुखाने हैं तो आज मैंने निकाल लिए हैं दो चार कल सुबह के लिए डालने के लिए मैंने अभी वॉश कर लिए हैं ये हरित्वी का ड्रेस देखिए आज रित्वी ने नया जो है ट्रैक सूट डाला है बहुत अच्छा बहुत प्यारा तो आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ मुझे अमेजोन का हॉल भी करना है क्योंकि तो बहुत सारी चीज़ें मैंने किचन के लिए घर के लिए अमेजोन से मंगवाई हैं तो इकट्ठी हो गई हैं बस मैं दो चार दिन में उसका हॉल करूंगी और ये देखिए आज अमेजोन से मैंने अपने लिए ये मंगवाया है अ ये है चकला बेलना स्टैंड तो आप मुझे सजेस्ट करिएगा मैं ऐसे ही रखूं मैं सोच रही हूँ कहीं पे टांग दूं इसको आप बताइएगा मुझे मेरा मुंह ही नहीं आ रहा मैं इधर तो ना इसको टांग के देखती चकला बेलना स्टैंड मंगवाया है और इसके साथ ये आया है ट्रॉली जिस पे मैं सिलेंडर रखूंगी तो अभी मैं सिलेंडर कर नहीं पड़ता हाँ, सिलेंडर है कैसे पड़ता है ऐसे है? एक तो पंजाबी हिंदी जब मिक्स होती है ना मजा आ जाता है तो पहले मैं हैंड वॉश करूं अपने गहने उतार के रखूं फिर मैं काम करती हूं क्योंकि तो मेरा ना एक ये ट्रिक है पहले सब कुछ गहने उतारती हूँ हैंड वॉश करती हूँ फिर ही काम पे लगती हूँ तो मुझे उम्मीद है किचन हो जाएगी क्योंकि डिनर में कुछ खास नहीं बनाना है जस्ट दलिया बनाना है पृथ्वी और पापा के लिए अपने लिए चपातियां बनानी है मम्मा तो डाइट पे होती हैं तो वो उनका अपना होता है डाइटिंग कर कर रहे हैं वो उन्होंने बहुत वेट लूज कर लिया है तो मैं उनके साथ आपको एक दिन मिलाऊंगी कि वो कैसे अपना वेट लूज कर रही हैं तो जल्दी से काम पर लग जाते हैं और ये देखिए कहाँ पे छिपके बैठा है क्यों छिपके बैठा है एक्चुअली मैं कर रही हूँ किचन की सफाइयाँ जैसे मैंने आपको बताया था मैं अभी अरेंज कर रही हूँ किचन को तो क्योंकि टाइम ही नहीं होता यार छः बजे वापस आना है और बार बार भैया कुछ ना कुछ नया लग जाते हैं करने बार बार डेढ़ उधेड़ कुछ कुछ चीज़ें छोटी मोटी रह जाती हैं फिर सफाइयाँ फिर से सामान रखो बहुत ज़्यादा हैड हो रखा है तो मैं जितनी देर काम करूँगी ना हरित्वी उतनी ही देर मतलब उसको वहीं पर रहना और ये नहीं है कि वो फ्री बैठेगा वो भी बहुत काम करता है और ये है एक शीट जो मैं आपको अमेजोन हॉल में दिखाना भूल गई ये शेल्फ़ सीट है आप कहीं पर भी बिछा सकते हो अलमारी में बिछानी है अलमारी में बिछाओ जैसे न्यूज़पेपर पुराने ज़माने में बिछाते थे ना तो हमारा तो ज़माना थोड़ा सा एडवांस हो गया है तो ये ऐसी शीट्स आने लग गई हैं तो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी ये तो मैं ये बिछा रही हूँ लेकिन इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा ये स्टेबल नहीं होती है वो हिलती रहती है इधर उधर आती रहती है तो इसको मैंने टेप की हेल्प से जो है वो जोड़ा एक और शीट है जो मैंने आई थिंक आपके साथ वो ब्लॉग अभी शेयर करना है जो मैंने फ्रिज में लगाया है मैट एज अ मैट उसे यूज़ किया है वो शीट मैं लेके आई थी होशियारपुर से बाजार से मार्केट से मतलब लोकल जो मार्केट्स होती हैं वहाँ से तो उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है क्योंकि उसके नीचे लेमिनेशन का पेपर था जो होता है ना लेमिनेट पेपर तो उसे उतारो तो वो अच्छे से जो है वो चिपक जाती है तो वो एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा लेकिन इस शीट के साथ मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा तो मैंने इसलिए क्योंकि अब आ चुकी है यार और मैंने कटवट कर लिया था वापस भी नहीं दे पाते तो मैंने सेलो टेप लेके ना उसको चिपकाना शुरू कर दिया और शीट से क्या होता है आप जब भी चीज़ें रखोगे तो सफ़ाई करनी थोड़ी इजी हो जाती है महीने बाद शीट उठा उठा के सफ़ाई कर लो जो वीकली सफ़ाई होती है उसके लिए आप फटाफट से जो है शीट पे कपड़ा लगा सकते हो और आपकी जो है वो किचन जो है वो साफ़ होगी तो बस इसी तरह से मेरा काम चल रहा है और ये ना जो आपको रोज़ मेरी सेल्फ दिखती है उसके कॉर्नर में जो सीढ़ी की नीचे जगह थी उस जगह को इस तरह से कवर किया हुआ है सॉरी गाइज मुझे पता है आपको किचन टूर का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है लेकिन मैं क्या करूँ किचन का काम ख़त्म ही नहीं होने पर आ रहा और मुझे लगता है एक महीने में बंदा घर बना देते हैं आजकल तो मेरा तो किचन ही नहीं बन रहा आई डोंट नो वाई पता नहीं क्यों क्या चल रहा है तो उस वजह से भी मुझे थोड़ी सी ना आजकल दिक्कतें मतलब आ गई हैं पर क्या करना कभी भैया को छुट्टी होती है कभी वो बिज़ी होते हैं कभी उनको कहीं पे जाना है बस इसी तरह से चलता रहता है किचन नो no डाउट बन के अच्छी रेडी हो रही है अच्छी लग रही है देखने में लेकिन छोटे छोटे काम हैं जो लटकते जा रहे हैं होता है ना जब किसी चीज़ को हम उसी टाइम पे ना करें और एक बार लटका दें तो फिर वो लटकती रहती है और हम लेडीज़ का क्या होता है मेरा तो यही फंडा है आपका आई डोंट नो क्या फंडा है मेरा तो यही फंडा है जो जब जब काम करना है ना उसको उसी टाइम कर दो उसको छोड़ो ना जब आप उस काम को छोड़ देते हो ना तो वो काम लटकता ही रहता है जैसे मैं सुबह सुबह आई मैंने आज सुबह सुबह शॉप पे आते ही एडिटिंग करनी थी लेकिन मेरा मूड ही नहीं बन पा रहा था उस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मूड नहीं था तो मैं सोची थी थोड़ी देर बाद करूँगी थोड़ी देर बा... और नौ बजे का बारह बज कहाँ तीन घंटे में वो एडिटिंग होके सब कुछ हो जाना था एक्सपोर्ट हो जाना था अपलोड हो जाना था आप लोगों के साथ पास पहुँच जाना था लेकिन वो तीन घंटे मैंने लेजीनेस में ही निकाल दिए तो इसी तरह से होता है जब आप किसी काम को करना है ना तो बाबा उसको कर दो उसको मतलब छोड़ो मत जब छोड़ दिया तो फिर लटकता लटकता वो काम ना रह ही जाता है और बस मेरा ऊपर वाला पोर्शन तो मैक्सिमम हो ही गया जस्ट चार पाँच परसेंट रह गया है अब मैं नीचे पहुंच गई हूँ ये कुछ सामान है जो हम लेके आए थे शॉप से कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जिनको मैं अरेंज कर रही हूँ नीचे वाला हिस्सा मोस्टली जो है वो मैंने मतलब अरेंज कर ही लिया है तो उसमें मेरी हेल्प जो है हरी भी कर देता है बहुत हेल्प करता है कैबिनेट्स को साफ़ करने में कॉलिन लेके फटाफट से साफ़ करता है लेकिन नुकसान ये हो जाता है कि हद से ज़्यादा कॉलिन को स्प्रे कर देता है और जो कॉलिन मैंने महीना चलाना होता है वो हफ्ता ही चलता है ये मेरा नुकसान जो है वो हो जाता है लेकिन इतना तो चलता है और यहाँ पे देखिए हरितवी इस तरह से मेरी हेल्प करती है सारी बॉटल्स को उतार के मैंने वहाँ पे शीट बिछानी थी तो उसने बोला मम्मा मैं कर देती हूँ और शीट खुद ही बिछाई खुद ही बॉटल्स को साफ करके रखा तो मेरी हेल्प भी बहुत हो जाती है ये नहीं है कि अकेला हरितवी मेरी काम ही बढ़ाता है काम तो बढ़ाते ही बच्चे नो no डाउट काम बढ़ता ही है बच्चों के साथ लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो झटपट झटपट रृथ्वी कर देता और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको डांट दिया क्योंकि मैं झाड़ू लगाने वाली थी और रृथ्वी मुँह लेके कर आगे आ गई और जिस चीज़ से मैं उसको बचा के रखना चाहती हूँ डस्ट से वहीं पे वो पहुँच जाती है सो गाइज़ देखिए हम मिट्टी से ही मतलब बने हुए हैं लेकिन क्या है ना मिट्टी से ही हमें आजकल एलर्जी होने लग गई है शायद ये हमारे बदलते लाइफस्टाइल का एक रिजल्ट है अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अब तो भाई उसको डस्ट की एलर्जी हो गई है तो अब बचाना ही पड़ेगा लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें वो इंजॉय करने से रह गई है बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मिट्टी में खेलना मिट्टी में खेलने का ना अपना ही वो कहते हैं ना स्वाद होता है लेकिन वो उसने कभी नहीं चखा खाने का स्वाद नहीं खेलने का वो खेल नहीं सकती थोड़ा सा भी गंदा हो जाए उसे फटाफट से मुझे साफ़ करना पड़ता है जैसे अब मैं किचन में सफाई कर रही हूँ तो मुझे बार बार डांटना पड़ता है कि उधर चले जाओ तो मतलब दोस्तों मेरी लाइफ में ना आप लोग बोलते हो ना कि यू आर परफेक्ट लेडी यू आर सुपर वीमैन लाइक दैट तो मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी छोटी 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 प्रॉब्लम्स हैं जो मैं किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकती लेकिन वो प्रॉब्लम्स मेरी अकेली के लिए बहुत बड़ा हैडेक है बच्चे के साथ आपका एक बच्चा हो पहला बच्चा है ना उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है आप के साथ मैं बहुत सारी चीज़ें हैं आपने मुझे बोला है कि आप अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करें डिलीवरी स्टोरी शेयर करें तो मैं इसलिए शेयर नहीं करती कि वो एक दर्दनाक ऐसी स्टोरीज हैं ना जब मैं उनके बारे में सोचती भी हूँ तो अब भी मेरे आंसू निकल जाते हैं मेरी प्रेगनेंसी जर्नी मेरी डिलीवरी जर्नी बहुत ही भयंकर बहुत ही बुरी थी इसलिए मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती सिर्फ़ उन प्रेगनेंसी और डिलीवरी में एक ही चीज़ जो है अच्छी याद रखने लायक है कि भगवान ने मेरे को इतना प्यारा बच्चा दिया और उससे बड़ी बात है कि कुछ अच्छे, अच्छे कर्म मेरे रहे होंगे कि वो बच्चा सही सलामत बचा बर्तन थे ना मैंने उनको अरेंज कर दिया है फाइनली मैं ये बोल सकती हूँ कि जितना मेरे पास था ना मैंने उसको अरेंज कर लिया बहुत है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बाबू ने मेरी बहुत हेल्प की तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी मुझे अभी ज़रूरत है तो मैं सोच रही हूँ एक विजिट मार्केट का किया जाए बट मिस्टर बहता कुछ फाइनल नहीं है उन्होंने कब आना है तो वो मुझे प्लान करना है अभी और मैं सोच रही हूँ पहले डिनर बना लूं क्योंकि डिनर तो सिंपल सा है आज दलिया बन रहा है मीठा सिर्फ दलिया बनाना है अपने लिए तो बहुत ही यम्मी होता है तो मीठा मैं खाती नहीं इसलिए मैं अपने लिए चपाती बनाऊंगी मेरे लिए सब्जी है पापा भी दलिया खाने वाले हैं मम्मा डाइटिंग तो जल्दी-जल्दी वो बना के फिर मैं सो so, दोस्तों बहुत जल्दी मैं आपके साथ ये स्टोरीज़ जो है शेयर करूंगी क्योंकि मेरे जैसी बहुत सारी होंगी जो कहीं ना कहीं इस दौर से गुजर रही होंगी तो थोड़ा डीमोटिवेट हो गई होंगी तो आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपके लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल होने वाली हैं तो बने रहे मेरे साथ देखते रहे हृथ्वी बहाल एंड ममा रॉक्स और ये देखिए रित्वी कहाँ पे चिपक के बैठा है क्योंकि मम्मा यहाँ पे है तो हृथ्वी को भी यहीं पे रहना है तो इसके बाद मैंने फ्रिज की सफ़ाई शुरू कर दी थी फ्रिज को अरेंज किया था लेकिन मैं सोच रही हूँ उसका अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूँ तो यहाँ पर डिनर बन रहा है और डिनर में हम सिंपल दलिया ही खाएँगे तो सिंपल दलिया इसलिए क्योंकि रात को हृथ्वी को तो ऐसी ही चीज़ें पसंद हैं और मेरा भी इसके साथ चल जाएगा तो मैं सफाइयाँ कर लूँगी थैंक यू वेरी मच गाइज़ फ़ॉर वॉचिंग अस प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर